धरा पड़ा संजय दास वर्मा मिछ तथ्य सामनाकु आसला उपकूल राजपथ निर्माण रे असल गंटा किए कहा अटकी कोस्टल हाईवे तार हो खुलासा ये होची 2 डिसेंबर 2019 राज्य सरकार का एडिशनल सेक्रेटरी आर के आचार्य एनएचएआई सीजीएम को लिखि चिठी 15 नवंबर 2019 कोस्टल हाईवे अलाइनमेंट स्थिर नहीं मुख्य शासन सचिव अध्यक्षतार होता बैठक निष्पत्ति संपर्क में चिठी में उल्लेख रही केवल सातपड़ दीघा पर्यंत हाईवे अलाइनमेंट नहीं राज्य सरकार सहमति प्रदान कर बाकी गोपालपुर सातपड़ा पर्यंत रास्ता संपर्क में परवर्त बैठक में रिव्यू करा गोपालपुर दीघा जाए केन्द्र द्वारा अनुमोदित 440 किलोमीटर उपकूल राजपथ को अधारे रोकला किए कहीं गोपालपुर जाए रास्ता निर्माण नहीं सहमति जड़ाइले ना राज्य सरकार एहले केन्द्र दोष क्यों गुरुवार राज्य योजना बोर्ड उपाध्यक्ष एने केन्द्र को दोषारोप करते हैं प्रकृत दोषी किए ए चिठी तार पर्दाफाश कर संजय अभियोग करते उपकूल राजपथर लंब को 177 किलोमीटर को संकुचित कर दि जाए किंतु यह अर्धसत्य प्रकृत सत हो 10 नवंबर 2020 जांगीरु रतनपुर जाए 177 किलोमीटर राजपथ पर जर्म रेफरेन्स को एक्सपर्ट अप्राइजल कमिटी मंजूरी देता यापर 15 डिसेंबर 2020 रतनपुर दीघा जाए 170 किलोमीटर रास्ता पर जर्म रेफरेन्स को एक्सपर्ट अप्राइजल कमिटी मंजूरी मिल सारी छड़ा जामुझाड़ी धामरा पोर्ट कनेक्टिविटी प्रकल्प अंतर्गत धामरु वासुदेवपुर जाए 35 किलोमीटर रास्ता एनएचएआई पक्षर निर्माण कर सबको मिसाइले मोट 382 किलोमीटर रास्ता निर्माण को मंजूरी मिल सारी हेले संजय दास वर्मा अधा तथ्य रखी केन्द्र को दोषारोप कर संजय का मिछ धरा पड़ा पर समालोचना करजेपी प्रथम पर्यायर 370 किलोमीटर रास्ता निर्माण करने जो मंजूरी प्रदान करा करी आउ गोटे एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी ना रे जो प्रकार अलाइनमेंट को बदल दी जाए मुभव करुचे केन्द्र सरकार ए रास्ता ए जो पोस्टल हाईवे प्रति कौन आंतरिकता ना किंबा आपको 6 वर्ष पर यह आभिमुख्य नवा अत्यंत दुर्भाग्यजनक जदि आप दुटा जाक रास्ता को मिसेबे से आउ गोटे नुआ जोड़ा जा नुआटी हूँ आपणकर वासुदेवपुर धामरा जोड़ा जाइए जोटा ता सांगे जोड़ा जाइए जदि आप समुदाय रास्ता को मिसेबे ताहले आपणकर रास्ता हूँ 382 किलोमीटर आश्चर्य लगुच 382 किलोमीटर रास्तार टीओआर सरकार देले तापर माने रिव्यू करुचंती आउ कहउचंती 170 किलोमीटर सेपरि संजय दास वर्मा मिथ्या अभियोग करथिले जे राजपथर अलाइनमेंट को एक्सपर्ट अप्राइजल कमिटी नारे सातपड़ारु पुरी बदल रे जांगीरु बिजीपुर को परिवर्तन कर दिया जायछि किंतु सत कथा हेउछि राज्य सरकार सातपड़ारु बिजीपुर जाय 30 किलोमीटर रास्ता निर्माण को मंजूरी देथिले किंतु एक्सपर्ट अप्राइजल कमिटी यार अर्थनैतिक गुरुत्व को दृष्टि रखि राजपथ को जांगीरी बिजुपुर अर्थात 35 किलोमीटर जाए बढ़ाई थी अलाइनमेंट थिला सातपड़ारु पुरी पुरी रु कोणार्क कोणार्क रु रतनपुर देकरी दीघा पर्यंत जीव एवं परवर्ती समय रे आमर जंगल परिवेश केंद्र सरकार जो परिवेश मंत्रालय अच्छे तांकर गोटे एक्सपर्ट अप्राइजल कमिटी गठन करके आर्बिट्रेली भाव से माने गोटे निष्पत्ति नेले जे यही जो अलाइनमेंट रे राज्य सरकार तक अप्रूवल देते से अप्रूवल तक संपूर्ण भाव से अलाइनमेंट को परिवर्तन करी वर्तमान टांगी ठारु आरंभ करी दीघा पर्यंत नवापाई गोटे एक्सपर्ट अप्राइजल कमिटी गोटे रिपोर्ट उपस्थापन कर सातपड़ारु गोपालपुर खोली दिंतु सेठी ब्रिज तैयारी हो से अंचलवासी उपकृत हुंतु भारत सरकार चाहिए बसिंट करने चक्रांत कले भी भारत सरकार एथुरु पचेबे ना से आम बर्तमान टांगी बाट दे भारत सरकार ब्रह्मगिरी सहित जोड़ू आपण तु जिते शीघ्र खोलिबे सेते शीघ्र रास्ता सातपड़ारु गोपालपुर जीव पूर्वोदय विकास परिकल्पनार प्रथम पहाच स्वरूप गोपालपुर पश्चिम बंगर दीघा पर्यंत
440 किलोमीटर उपकूल जातीय राजपथ निर्माण पर 2015 घोषणा करथिले केंद्र सरकार। यहाद्वारा राज्य में पर्यटन क्षेत्र व्यापक अभिवृद्धि सह बंदर व्यवसाय को प्रोत्साहन मिल पार जोड़ी हेबा बंदर और सहर, किंतु राज्य सरकार का हीन राजनीति और उदासीनता जो प्रकल्पर भविष्य झुली रही अभियोग करिछंति विरोधी। भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्र रोशन रथों रिपोर्ट अर्गस न्यूज। एबे आमे आनिचु आपणक पई अर्गस न्यूज आप गूगल प्ले स्टोर किंबा एप्पल आप स्टोर को जानतु अर्गस न्यूज टाइप करंतु आउ अर्गस आप डाउनलोड करंतु। लाइव बुलेटिन न्यूज एवं अन्यान्य शो देखंतु आउ आम संगे जोडी होंतु। तेबे डेरी काहे की आज ही डाउनलोड करंतु अर्गस न्यूज ऐप सत्यर संधान रे अर्गस सबबेले लोकों को साथी रे।